नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के सभी दर्शक मित्रों का आज के शो में स्वागत है। एक दोस्त मेरी जो उसके पहचान की महिला का एक किस्सा मुझे सुना रही थी। उसने कहा कि वो महिला अधिकतर समय फ्री होती है और अपना ज़्यादातर काम वो नौकरों से करवाती है, क्योंकि उसकी ये मान्यता है कि जो नौकरों वाला काम है वो करने से हमारी औकात कम हो जाएगी, हमारा कद घट जाएगा। महिला के पति कॉरपोरेट में जॉब करने की वजह से सुबह 9 से रात को 9 बजे तक बिजी होते हैं, तो वो इतना समय नहीं दे पाते। उस महिला को बच्चे भी नहीं हैं, तो अधिकतर समय वो फ्री होने की वजह से उसके ख्यालात ज़्यादातर भूतकाल या भविष्यकाल की चिंताओं को लेकर होते हैं। बहुत सबके समझाने के बावजूद भी वो अपने आप को किसी कोई बात में एंगेज नहीं रखती, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होती हैं। जब भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहती हैं कि पूरा दोष मेरे पति का है कि वो मुझे टाइम नहीं देते, और पति का कहना है कि मैं अगर कमाने नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, और जब भी टाइम देता हूँ तो मेरे पत्नी के पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूँ, वो ज़्यादातर कंप्लेन ही करती हैं। अब ये पूरे उदाहरण में हमें देखने को मिलता है कि कारण क्या है और उसका निवारण क्या है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि एक विषय सर्कल है और दोनों एक दूसरे को अपने लिए जिम्मेदार किसी और को मानते हैं। हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात पिछले कड़ी से करते आ रहे हैं कि हम खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते लेकिन अपने लिए किसी और को दोषी मानते हैं। आज उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। हम जैसे डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे थे पिछले कड़ी में कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए हम अलग अलग बातों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी ये उदाहरण सुनाया, यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक समय के बाद एक विषय सर्कल बनता जा रहा है। हस्बैंड को रस नहीं है क्योंकि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बात करने के लिए पत्नी के पास, और पत्नी कहती है कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है? आपने तो बता ही दिया है। वैसे बहुत सटल और बहुत सूक्ष्म बात होती है। हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं तब हम किसी को भी कहीं पर भी ये नहीं कहते कि आपकी दोष है, आपका गलती है। हम सिर्फ परिस्थिति को फैक्ट्स के रूप में सामने रखते हैं, ठीक है जी ना। तो ये रिलेशनशिप्स में भी किया जा सकता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, दोनों अगर देखा जाए तो दोनों की सिचुएशन अपने अपने पोजीशन पे वो सही लगते हैं, क्योंकि वो जो पत्नी है वो खाली है, उसको बच्चा नहीं है, घर पे अकेली क्या करेगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा सब नौकर चाकर है। तो शायद उसके पास, जैसे आपने कहा, कला नहीं है कुछ क्रिएटिव करने के। मे बी शीज उसकी एनर्जी स्टक अप है कहीं, तो भी रिलीज नहीं हो रही है, जी क्योंकि नया कुछ करने के लिए आपकी क्रिएटिविटी चाहिए और आपकी वो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा, वो पास्ट या भविष्य में उसकी एनर्जी लगी पड़ी है, या तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरा क्या होगा आगे चलकर, ठीक है ना। तो उसमें उसकी एनर्जी लगी हुई है, इसलिए वो शायद नए कोई एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज नहीं कर पाते हैं। और पति 12 घंटा 9 से 9 कॉरपोरेट जॉब में है, तो उसकी एनर्जी कॉरपोरेट जॉब में है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कॉरपोरेट जॉब को एंजॉय कर रहा है या वो परिस्थिति से भाग रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट जॉब जीवन का एक हिस्सा है, ठीक जी है ना। जीवन में हमने पहले भी जैसे देखा, अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे फैमिली लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है। तो यहाँ पे मुझे इन लोगों का सोशल लाइफ के बारे में कुछ हिस्ट्री नहीं पता है, इनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, इनके लिए नयापन ये लोग क्या करते हैं। जैसे ये 12 घंटा सुबह शाम रहता है और ये घर में रहती है, और कोई इनके है या नहीं है, रिश्तेदार या फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ तो रूटीन में से बाहर जहाँ आना तक चाहिए। हमारी जानकारी है वहाँ तक हम समझते हैं कि सोशल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल सिटी के लाइफ में ज़्यादातर इंसान अपने शेल में ही रहना पसंद करता है, तो ये कपल का भी सोशल ज़्यादा नहीं है।
लेकिन ऐसी क्या बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लॉक करती है इंसान को? वो लेडी समझती भी है, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे बहुत खुलकर ये बात बता रही थी कि वो लेडी समझ भी रही है कि उसे बिजी होना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हस्बैंड का स्टडी बहुत है, वो काम जिस तरह से करते हैं उनका एक अपना लेवल हो गया है, और अगर आपका बिल्कुल स्टडी नहीं है या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन का लेवल ही मैच नहीं हो रहा है, और जहाँ कॉन्वर्सेशन नहीं होता है क्योंकि शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो फिर बैठना, साथ में बैठकर बातें करना ही नामुमकिन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मुझे जो डिफेंस मैकेनिज्म दिखाई दे रहे दोनों में, वो अगेन डिनायल ही है, जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं दोनों में से। जी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि ये कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, और वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि अगर उसकी वो लेवल है जिस तरह से आप, तो अगर वो समझदार है पति, तो समझदार को नीचे वाले के लेवल पर जाके बात करना चाहिए, ठीक है ना। इफ जी शी इज नॉट अप टू दैट मार्क, अगर उसके अंदर वो क्षमता नहीं है ऊपर आने की, तो अगर ये ऊपर है और ये समझदार है तो उसको उसको ऊपर लाना चाहिए, या फिर उसके लेवल पर जाके उससे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए अगर बात होती भी है, क्योंकि कभी-कभी बात करना है तो आप उस लेवल पर जाकर करते हैं, लेकिन रात दिन आप साथ में रहते हो और कोई टॉपिक ही नहीं है, और हर रोज ऑफिस से आने के बाद आपका अपना भी एक थकान है, आपकी अपनी भी एक टायर्डनेस है, आपका अपना भी एक प्रेशर है, उसको समझने वाला पार्टनर नहीं होगा, या उसको अंदर से लगता है कि मुझे समझ नहीं रही है मेरी वाइफ। बराबर है, आई अंडरस्टैंड। दोनों के अंदर एनर्जी डिप्लीशन है, जैसे जनरेट होना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर मैंने देखा मेडिटेशन बहुत काम करता है, ठीक है ना। जी ऐसे सिचुएशन में जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी, कोई भी एक अपने ईगो को ब्रेक करना चाहिए। डेफिनेटली देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ ईगो, एंड डेफिनेटली नॉट हेल्दी ईगो, क्योंकि हेल्दी ईगो वाला व्यक्ति बहाने नहीं देगा। क्या होता है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी, जैसे हमने पिछले बार भी देखा, अपने को डिफेंड करने में जाती है जी कि क्यों मैं अपनी जगह पे सही हूँ, और हो भी सकता है वो अपने जगह पे सही है, तो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी कम है इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दूसरे व्यक्ति को, या आप कहते कि मैं कब तक इतना करता रहा हूँ, उसको भी थोड़ा करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास वो एनर्जी कम है, पॉजिटिव एनर्जी, जी तो ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। तो दे कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन की इस तरह से कि अच्छा, मैं आपको समझता हूँ कि आप किस अवस्था से जा रहे होंगे, मैं तो ऑफिस में अपने काम से बिजी रहता तो मेरा माइंड, लेकिन आप खाली रहते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कोई सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, क्या हम और कर सकते हैं, कैन वी फाइंड आउट। ऐसे ओपन माइंड रख के बात करना चाहिए, और अगर वहाँ पे उनको कुछ नहीं आता है, सो और एक तरीका कर सकते हैं हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप अपने आप को किसी एक्टिविटी में आउट ऑफ योर होम, बाहर जाके जो आपकी पसंदीदा एक्टिविटी है, जो आपको अच्छा लगता है, तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आजकल जैसे कि बहुत सारे संस्थाएं हैं, सोशल क्लब्स हैं, गैदरिंग्स हैं, जहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई भी हॉबी नहीं है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पे तो इंटरेस्ट होगा ना आपको। जी और अगर कोई ऐसा मेरे को कहता है नहीं मेरे को किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ऐसे कहता है कि पहले था लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से फिर वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, या जी डिप्रेशन में हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर एक प्रोफेशनल काउंसलर के साथ बात करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ चालू करना चाहिए। लीव इट जी टू द डॉक्टर टू डिसाइड यस वेदर इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन और इट्स एन हैबिट और इट्स एन नेचर, माना उसका स्वभाव है या सचमुच में बीमारी के लक्षण है। कई बार समझ में नहीं आता है ये, वो डॉक्टर को डिसाइड कर देना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, कितने समय से आपको लग रहा है, तो हम कैसे डायग्नोस करते हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा किसी व्यक्ति का मूड लो है, पहले उसको कई सारी एक्टिविटीज़ में आनंद आता था, जैसे टीवी देखना या भोजन या मित्रों से बात करना या मिलना, आज उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं आ रहा है, और जीवन में ही इंटरेस्ट नहीं रहा है, ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं रहा है। इसको हम ट्रायड कहते हैं, हेल्पलेस होपलेस एंड वर्थलेसनेस। जी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा केस होपलेस है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, और मेरी कोई कीमत नहीं है, फिर मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रायड आता है, और ये 15 दिन से ज़्यादा अगर ये लक्षण है,
और ये अगर आपके रिलेशनशिप्स में इफेक्ट हो रहे हैं, आपके खाने पीने पर और नींद के ऊपर इसका असर आ रहा है, तो ये डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो जी अगर ऐसे लक्षण है तो उसकी दवाई चालू करनी चाहिए। अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, अगर कोई तो उनको रियलाइज़ करावे, क्योंकि जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, आपने कहा कि सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है इसमें से। जी उनको समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वो घर के बाहर निकल ही नहीं पाती, तो क्या वो भी एनर्जी ब्लॉकेज है? समझ रहे हैं, कई बार डिसाइड करते हैं ना, कई केसेस में, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार वो लोग ये डिसाइड भी करते हैं कि मुझे इस क्लास में ज्वाइन होना है, इस क्लास में जाना है, और हर बार पोस्टपोन करते रहेंगे। अभी नहीं, हम 15 दिन के बाद जाएंगे, नहीं उसके बाद हम 1 तारीख से जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ बहाना दिखाकर वो पोस्टपोन करते रहेंगे। तो क्या वो भी एक एनर्जी ब्लॉकेज ही हम यस कहेंगे? डेफिनेटली, इसको बहुत अच्छा शब्द है, हम अंग्रेजी में इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते जी, हैं। प्रोक्रास्टिनेशन माना बाद में करेंगे, फिर देखेंगे। एक आलसी वृत्ति भी होती हाँ है, पहले से आलसी, कभी नहीं किया हाँ हुआ है। देखो ये सब शब्द है, आलस्य। आम आदमी इसको आलस्य कहता है ना, जैसे कई लोग जी डिप्रेशन में होते हैं लेकिन बाहर वालों को लगता है ये आलस्य है, जानबूझ के कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट जानबूझ के, ये उसके ब्रेन की बीमारी है जिसके वजह से वो बिस्तर से बाहर निकलना नहीं चाहता, उसका दिल ही नहीं करता किसी से बात करे। और ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन अब नहीं, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, ये वो अपने आप को उस कंफर्ट जोन में रखने का पूरा तरीका है कि ये कंफर्ट जोन में मेरे को आदत लग गई, अभी मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं जी यहाँ पे उदाहरण दूंगा कि एक कैदी को सेल होती है जिसमें चारों तरफ अंधेरा है, तो उसको 25 साल तक उसकी सजा दी। अभी 25 साल पूरे हुए तो उसको बाहर निकाला, बोला जाओ आज से तुम फ्री हो गए, एंजॉय करो। जब वो बाहर आया जेल से, तो उसने बहुत सालों के बाद सूर्य का प्रकाश देखा, और सूर्य का प्रकाश देखा तो उसे सहन नहीं हुआ वो ये लाइट। वो कहता है मेरे को वापस मेरे रूम में लेके चलो, मैं उधर ही रहना चाहूंगा। आप एक कंफर्ट बना लिया, एक क्षेत्र बस उसी में रहेंगे कि उसमें मेरे को कंफर्टेबल लगता है। अभी जैसे मैं उससे बाहर निकलता हूँ तकलीफ होने लगती है, और वो तकलीफ थोड़े समय की होती लेकिन मैं उसको सहन नहीं करना चाहता। तो जी जैसे ही किसी ने कुछ कहा, जैसे आपने कहा ना काउंसलर्स के पास गए, किसी ने समझाने की कोशिश की, दिखाएंगे ऐसे कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ लेकिन निकलते नहीं वापस, क्योंकि वो कंफर्ट जोन की आदत लग गई है। ये सब मामलों में होता है और सभी लोगों में। जैसे एक्सरसाइज की बात ले लो, अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, किसी इवेंट के बहाने आपने एक्सरसाइज कर लिया है ना, तो आपको तकलीफ होगा क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो पहले कुछ दिन तक आपके बॉडी में पेन होगा, और जी, जैसे पेन होता है लोग बोलते हैं नहीं नहीं तकलीफ हो रहा है छोड़ छोड़ देना दो, है, एक्सरसाइज वापिस आ छोड़ देते जाएंगे। हैं। वो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बगैर आपकी आदत या संस्कार नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक या तो काउंसलर्स को अपनी एनर्जी इतना मोटिवेशनल होना चाहिए कि वो उसके साथ रह के उसको लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट, अभी हमारे एक भाई है जिनका कमर का ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से बिस्तर पर रहे। अभी बिस्तर पर रहने के बाद उनको, क्योंकि हिलना नहीं था, खड़े नहीं हो सकते, तो 1-1.5 महीना बिस्तर पर रहने के वजह से उनकी मांसपेशियों का यूज ही नहीं हुआ। अभी हड्डी तो हील हो गई, फ्रैक्चर ठीक हो गए, लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे, हाथ भी नहीं हिल पा रहा, क्योंकि बैठे रहे, हाथ हिलाए नहीं, पैर जी, सब उसका खाना मूवमेंट पीना, बिल्कुल नहीं था तो अभी इसलिए। खड़े नहीं हो पा रहे, हाथ भी खड़ा नहीं कर पा रहे। तो अभी उनको फिजियोथेरेपी कराना है, क्योंकि मसल्स जो रहते हैं हाथ के पैर के वो वेस्ट हो चुके हैं, माना उनके शक्ति कम हो गया। अभी उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं तो दर्द होता है, अभी दर्द होता है तो बोलते नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो वो खड़ा नहीं हो पाएंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर रहेंगे। जी, मतलब हमको वो दर्द को, जो सहन करना टेम्पररी पड़ता दर्द है, है, उसको हमको सहन सहन करना करना जरूरी। पड़ेगा किसी भी आदत परिवर्तन के लिए। थोड़े समय के लिए आपको, मैं इसको जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ साइकोलॉजी का, वो एक कंफर्ट जोन, उस जोन में है, उस इलाके में मेरे को अच्छा लगता है, तो मुझे उससे बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा मेरे को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तभी मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ, अदरवाइज इट इज टफ। और जी यहाँ पे मेडिटेशन मदद करता है, इसलिए जैसे ये लोग मेडिटेशन करने लगेंगे, जैसे शक्ति आएगी, तो शक्ति के साथ उनको कोई पुश करे, मोटिवेट करे। तो ये केस के बारे में मैं ये कह रहा था कि उनको फिजियोथेरेपी वाला आके
बोलता था ऐसे करना है, ऐसे करना है, 15 मिनट सुबह करना है, 15 मिनट शाम को करना है, और वो चला जाता था। तो वो नहीं करते थे। अभी हमने एक ऐसे व्यक्ति को रखा है, वो खुद आता है, खुद उनसे करवाता है पूरा 1 घंटा उनके साथ, उससे उनके अंदर चेंजेस आए हैं। जी, मतलब थोड़ा पुश करने की जरूरत है। यस, और वो व्यक्ति साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, काउंसलर काउंसलिंग देता है, अच्छा ये करो, 1 2 3 जाओ, लेकिन साथ में नहीं ना कोई, जी आप समझ रहे। जब ऐसे व्यक्ति की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, कोई तो साथ में चाहिए जो उसको लेके जाए, उसमें से बाहर निकाले। लेकिन आज के सिनारियों में ये बहुत डिफिकल्ट हमको डिफिकल्ट तो दिखता है, है, लेकिन डिफिकल्ट क्योंकि केस के इंसान लिए पहले मतलब कम है, घरों में, परिवारों में, सोशल आपका इतना नहीं है। कौन आएगा जो आपके लिए इतना टाइम देगा, जो हर रोज आपके साथ में बैठेगा और आपको पुश करेगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे यस केस में फिर हमको क्या करना इसके जरूरी लिए मैं है? एग्जांपल और दूंगा कि जैसे आजकल वजन कम करने के लिए है ना, वजन कम करने के लिए जिम्स है, बहुत सारे मशीन है, इंचेस एंड वेट्स, वजन दोनों कम होता है। आजकल ऐसे सर्विस निकले क्योंकि हमको पता चला कि लोग जिम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जिम में जाना पड़ता है, वहाँ ट्रेनर है, तो घर पे ही आते हैं। जी, तो घर पर्सनल पे ट्रेनर आके, आजकल। पर्सनल ट्रेनर है, घर पे आके कोचिंग देते हैं, क्योंकि लोगों के पास अफोर्डेबल है, लोग तो घर पे आके उनको मोटिवेशन देते हैं। और एक बार उनका शेप अच्छा हो गया, उनको वजन कम हो गया ना, उनकी एनर्जी लेवल अपने आप इम्प्रूव हो गए। जी और ऐसे समय पर फिर अगर वो ट्रेनर इम्पोर्टेंट है या वो जो मोटिवेशनल है, तो वो किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप डायनेमिक होता है। जब हम 100 लोगों के साथ में बैठ के कुछ करते हैं ना, तो लोग देखते हैं हमको और मेरा मोटिवेशन बदलता है। तो पर्सनल ट्रेनर रखे, पर्सनल काउंसलर काउंसिलर रखे, अगर रखे। आपके अफोर्डेबल है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये समस्या गरीबों में नहीं दिखाई देती है। जी, ठीक है ना, ज्यादा पढ़े लिखे, अमीर या अमीर लोग हायर मीडियम क्लास में ये ज्यादा उसमें ये समस्या है कि गरीब को तो अगर वो उठेगा नहीं तो खा नहीं सकता है। ठीक है ना, ये किस में आता है, जिनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं है, उनके अंदर ये ये बीमारियां बीमारियां ज्यादा। बीमारियां हाँ, है। देखिए ना, सिंपल चीज है, अगर हम हाथ से भी कुछ काम करें तो यस भी हमारा आधा दिन निकल जाएगा। यस एज अ वुमन, आपको घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, भले यस बच्चे नहीं है, पर घर को ठीक रखना या उसको सजाना, उसको संवरना, उसको ठीक से करना, तो भी उसमें टाइम चला जाता है। यस मैंने पर ऐसे लोग जहाँ पर देखे हैं। आपका हर काम किसी और से आप करवा के ले रहे हो, तो वो भी एक समस्या है। यस मेरे को ये केस याद आते हैं, गोवा के केस है, करोड़पति है, उनके दोनों बेटे फॉरेन में हैं, उनका मकान करोड़ों का, उनके पास नौकर चाकर है, लेकिन वो घर की मालकिन बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, मैं सब खुद करूंगी, जबकि वो अफोर्ड कर सकते। मैंने उनको जी पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, बोलते कि मैं इसलिए नहीं कर रहे कि मैं कंजूस हूँ या पैसा बचा, नहीं मैं अपने लिए कर रहे, क्योंकि जब तक मैं फिट रहूंगी मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, ये बहुत जरूरी है। और मैं जिस तरह से करूंगी उतना नौकर नहीं करेंगे, वो काम के हिसाब से करूंगी, मैं दिल से करूंगी। और और अपने घर को एक अपना खुद का टच होना, वो भी यस बहुत जरूरी है। उससे भी आपको मतलब अपनापन लगेगा, वो एक यस एनर्जी आपको फील होगी अपने घर यस के अंदर। यस सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा एक। तो इस उम्र में, 40 के बाद में, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को किसी एक्टिविटी में एंगेज कर लेना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया, और ऐसे टिपिकल केस है, तो ये लोग डिप्रेशन में जाते, ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जी वजन बढ़ता है इनका, और इनकी कई सारी दवाइयाँ चालू होती है। मैंने ये देखा है, हायर क्लास या अपर क्लास हायर क्लास। वालों में ये बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिनायल है, ये बहुत स्ट्रांग डिफेंस, मैंने हमने लास्ट टाइम भी देखा, जी, डिनायल सब डिफेंस मैकेनिज्म का स्वीकारना मातपिता ही है। नहीं है। स्वीकारना ही नहीं कि मेरे से गलती हो रही है, या मैं ठीक हूँ सामने वाला रॉन्ग है। तो हमको काउंसलर्स को बहुत बहुत ध्यान से इनका सुनना पड़ता है, और इनको सिर्फ फैक्ट रखने का कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, सजेस्ट करने का। हम उनको ये नहीं कहते कि आप गलत है, कहीं पर भी नहीं जी, काउंसलिंग में हम ये नहीं कहते कि आप गलत है यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम समझते हैं आपको, हम ये भी महसूस करते कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, कि आपको बच्चा नहीं है ना, इतने साल हो गए, सब कुछ होते हुए खालीपन है, तो रह गए पति और पत्नी, कि 12 घंटा आपका पति नहीं है साथ में, तो आपके पास क्या है, दीवारें तो बात नहीं करेंगे ना, कोई तो चाहिए है ना। तो हम आपको महसूस करते हैं, आपकी इस अवस्था से जा सकते हैं, जी लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप इसमें से बाहर निकलना चाहती है। तो वो खुद कहेंगे हाँ मैं निकलना चाहती हूँ, अच्छा तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है, आप ही बताओ। तो हम ओनर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति के ऊपर दे जी रहे, क्योंकि इसमें
जब तक वो ऑटोनॉमी नहीं है, जब तक वो खुद अंदर से नहीं बोलेगी ना, तब तक नहीं होगा, तब तक वो बाहर से दिया हुआ रहेगा। माना उसने अभी तक सोचा नहीं है कि मेरे को बदलना। हाँ बदलना तो चाहिए, तकलीफ होते, लेकिन अंदर से पूरा रेडी नहीं अंदर से है। नहीं है तो हम उसको टाइम देते हैं। सोचो आप, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप सोचो। अगर आपको लगता है कि इससे बाहर निकलना है, जब आप रेडी है तब आप हमको बताना। और जब वो बोलती नहीं मैं चाहती हूँ निकलना, फिर हम उसको ही बोलते हैं कि अच्छा आप बताओ अभी क्या करना क्या कर चाहिए सकते हैं? या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। वो कहते मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा इसमें आप करेंगे, बहुत अच्छा। फिर हम उसको रीइन्फोर्स करेंगे, उसके ये बहुत अच्छा आपने कहा, आप ये करो, है ना। तो इस तरह से हम या तो उसको इंडिपेंडेंटली करने देंगे, और अगर वो कहते ना मेरे अकेले से नहीं होगा, अच्छा तो आप ये कर सकते हैं क्या, इसको साथ में रख सकते हैं, तो जब वो खुद उसमें पार्टिसिपेट होने लगती है तब हमको रिजल्ट दिखाई देता है। कई बार वो लोग मानते भी हैं कि हमको करना चाहिए, वो हमारे मुंह पर हाँ भी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वो तैयार है अंदर से या रेडी हो चुके हैं अपने आप को बदलने के लिए, कि नहीं मुझे बदलना जरूरी है या मेरी परिस्थिति बदलने की आवश्यकता है? मुझे यहाँ पर परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य याद आते हैं। उन्होंने एक महावाक्य में कहा था कि महसूसता से परिवर्तन होता है, जब तक वो व्यक्ति खुद अंदर से पूरी तरह से महसूस नहीं करे। अभी अनलेस यू रियलाइज यू डोंट चेंज, ये नियम है सृष्टि का। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरे को समझ में आता है, मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि मेरे को बदलना चाहिए, फिर भी नहीं बदल रहा है। तो यहाँ दो ही बातें हैं, या तो उसने पूरी तरह से महसूस नहीं किया, क्योंकि महसूसता कैसे होती है कि ऊपर ऊपर से भी होती है महसूसता, नहीं हाँ करना चाहिए, लेकिन उसमें ना वो डेप्थ नहीं है, 100% नहीं है। होती है वो कैसे 10%, 15%, 20%, तो जितना मोमेंटम चाहिए वो नहीं है। या तो उसके अंदर महसूसता है लेकिन उसको विधि नहीं पता क्या करना चाहिए, तो या तो ऐसा दोनों भी हो सकता है कि दूसरों के दबाव में बार बार हाँ बोला जा रहा है, क्योंकि ये हो आसपास के सकता है। सारे लोग यही बता रहे हैं आपको करना जरूरी है, आपको करना जरूरी है। ये डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सूक्ष्म होते बहुत हैं, ठीक सूक्ष्म है ना। होते हैं तो हम दिखाते हैं हम अच्छा है, हमने जैसे पिछले जी। एपिसोड में देखा, हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बुरे नहीं है, मैं भी चाहती हूँ बदलना, लेकिन क्या करूँ, फिर वो रीजंस होते हैं, ठीक जी है ना। जी तो ये ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए नहीं हो पा रहे, नहीं तो मैं तो चाहता हूँ। तो ये बात करके काउंसलर्स को निकालना चाहिए। कई बार क्या होता है क्लैरिटी नहीं होती है उसके अंदर, तो जैसे ही वो बताते जाती है ना, तब उसको उसी के शब्दों में, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप करना चाहते लेकिन आपको पता नहीं चलता, अच्छा ऐसा है कि आप करना चाहते लेकिन कोई आपको सहयोग नहीं देता, ये आप कहना चाहते हैं ना, रिफ्रेजिंग, इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो जैसा हम उसको सवाल पूछेंगे ना, सामने वाला ओपन अप होता, हाँ बराबर यही होता है। जी कई बार उसको भी क्लैरिटी नहीं होती कि क्यों नहीं है, जी ठीक है ना। तो काउंसलर्स क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं, हम उनको बोलने देते बोलने देते बोलने देते, क्योंकि बोलने से मुझे उसका डिफेंस मैकेनिज्म पता चलता है। और एक बार डिफेंस मैकेनिज्म पता चल गया तो फिर मैं उसको कहता कि आपको लगता है ये ठीक है। जी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास दारू पीने वाला व्यक्ति, वो आया और उसने बोला कि मैं दारू इसलिए पीता हूँ कि दिन भर काम करने से मेरा बदन दर्द होता है। अच्छा फिर मैं कहता लेकिन आपकी बीवी भी आपके जैसे काम करती है, लेकिन वो दारू नहीं पीती है, और अगर दारू पीने से बदन का दर्द कम होता तो सभी डॉक्टर्स को ये लिखना चाहिए। तो हंसने लगा, बोला नहीं यानी बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस डिफेंस होता मैकेनिज्म यूज किया जा रहा हाँ, तो है। उसको तोड़ना पड़ता है और उसको रियलाइज करना पड़ता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जब वो एक्सेप्ट करता है तब उसके अंदर परिवर्तन आते हैं। काउंसिलर की हेल्प लेना किस तरह से जरूरी है, अदरवाइज डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमने आज एक छोटी सी केस से शुरुआत करके ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से ये छोटी छोटी बातें हर एक के जीवन में हम अनुभव करते हैं, ये छोटे से सवाल हैं जो हर किसी के मन में घिरे हुए हैं, और हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हुए दूसरों को इस दोषी मानते हैं। जैसे पति मुझे वक्त नहीं देता, मुझे टाइम नहीं देता, और पति को लगता है कि बात करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को समझ कर किसी हॉबी में अपने आप को एंगेज करना, साथ में ही एक अच्छे काउंसिलर की हेल्प लेना, और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मेरी एनर्जी कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रही है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ या क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कहीं प्रोक्रास्टिनेशन तो यूज़ नहीं हो रहा है कि मैं बार बार चीज़ों को पोस्टपोन करती जा रही हूँ। अगर आपके भी कोई प्रश्न है
तो आप हमें ईमेल कर सकते या फोन से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात को हम आगे की कड़ी में भी लेंगे हमारे सीक्रेट में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।